Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video, I'm gonna talking about a one major problem in our girls' life. तो वो है हमारे इन अनवॉन्टेड हेयर्स. कभी कभी हमारे हैंड्स पे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, कभी हमारे लेग्स पे दिखते हैं गाइज. तो ये हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि ये शो हो और फोटोज में, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं आपके सामने ऐसे अनवॉन्टेड हेयर के साथ हमारी प्रेजेंस को लेके. तो उसके लिए आप लोग बहुत सारे रेजर्स यूज करते होंगे या फिर वैक्सिंग करते होंगे गाइज. लेकिन मुझे लगता है वैक्सिंग सेंसिटिव स्किन के लिए या फिर बहुत सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं होता है. उससे रैशेज हो सकते हैं, रेडनेस हो सकते हैं स्किन पे, एलर्जीज हो सकते हैं, या फिर स्किन के ऊपर का जो एकदम मुलायम स्ट्रक्चर होता है वो भी खराब हो सकता है गाइज. टुडे आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू वन प्रोडक्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइज. मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ और वो है ये रेजर. तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक रेजर है. इसका बहुत सारे वैरायटी में रेजर्स आते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वाला रेजर आप लोग को अपने प्राइस के हिसाब से ज़्यादा इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लोजअप लेके दिखा देती हूँ. इसका ऐसा कुछ आएगा तो इसके अंदर ही रेजर का ब्लेड आते हैं, वो इसके अंदर आते हैं. इसमें 3 ब्लेड्स अवेलेबल है गाइज, आप लोग देख सकते हैं. 3 ब्लेड्स आप लोगों को मिल जाएगा और इसमें इंक्लूड जेल है, तो आपकी स्मूथली जेंटली आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे. और इसका एक मेन जो अच्छा लगता है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में है, आप लोग सोप एंड स्प्रे क्रीम कुछ भी आप इस्तेमाल कि आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. ये जो इसके ऊपर देख रहे हैं आप, ये जेल क्योंकि ये प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में भी लग गया है. तो ये क्योंकि ये जेल इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसकी वजह से आप लोगों को अलग से अगर आप लोग कुछ इस्तेमाल टाइम नहीं है और नहीं भी करना चाहते हो तो भी आप लोगों के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ये आसानी से आपके सारे हेयर्स को रिमूव कर देगा बहुत ही जेंटली और कोई भी हार्श कट नहीं होगा गाइस. इसके एक लगा के दिखाती हूँ. तो इसके अंदर दो रेजर आता है, आप लोग देख सकते हैं इतना छोटू सा क्यूट सा रेजर आता है. इसके अंदर होल से एक्स्ट्रा जो वाटर होगा इसको इस्तेमाल करके बाद वो इसके मदद से स्ट्रेन आउट हो जाएगा. तो इसको पहले ऐसे आप लोगों को इसको ऐसे पुश कर, पीछे से पुश करके आप लोगों को ऐसे लगाना पड़ता है. दिखाती हूँ, लग गया है, आप लोग देख सकती है ऐसे लग चुका है. और इसके ऊपर जेल कोटिंग लगा हुआ है, इससे आप लोगों को जैसे कि मैं बोला आप लोग बिल्कुल आसानी से अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं. मैं आप लोगों को रिमूव करने के पहले दो इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ. अगर आप लोग हाथों का हेयर रिमूव करना चाहते हैं तो ऑलवेज डाउनवर्ड्स, एकदम आप लोग को डाउनवर्ड्स ही आप लोग ऐसे लेना है. एक अगर आप लोग इसको अपवर्ड्स करेंगे ना, क्योंकि हेयर का ग्रोथ इस तरफ आता है, तो जिस तरफ हेयर का ग्रोथ आता है गाइस, तो उसी तरफ आप रेजर यूज करना चाहिए. अगर आप लोग हेयर ग्रोथ के ऑपोजिट अगर आप लोग रेजर चलाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा. क्यों अच्छा नहीं होगा गाइस? क्योंकि अगर आप लोग हेयर के ग्रोथ के अगेंस्ट आप लोग रेजर चलाएंगे तो वो हेयर तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन वो बाल बहुत ज्यादा जल्दी आ जाएंगे. अगर आप लोग ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत टाइम बाद आएंगे. अगर आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लोग करेंगे तो वो बहुत जल्दी आप हैंड्स में न्यू बाल आ जाएंगे, आप लेग्स पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप लोग करेंगे वहाँ पे भी आ जाएंगे. तो फर्स्ट आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा डाउनवर्ड्स कीजिए. अगर आप लोग फेस में भी रेजर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी आप लोग को बोला है ऑलवेज डाउनवर्ड्स. लेग्स में भी आप लोग करना चाहते हैं ऑलवेज डाउनवर्ड्स, कभी भी अपवर्ड्स आप लोग रेजर यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे. फेशियल हो या फिर ये वाला हो, कोई भी रेजर, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको इसको ही परचेस करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैं इसकी रिव्यू करने वाली हूँ, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है. मैं इसको एक साल से यूज़ कर रही हूँ. ये स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसे एक साल से यूज़ किया है. ये वाला रेजर आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा मैंने ख़त्म कर दिया. ऊपर का आप लोग देख सकते हैं ये जेल नहीं है, नीचे का थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैंने इसको रख दिया है. मैं इसको और यूज़ नहीं करूँगी. यूँ ओपन किया है और आप लोगों के सामने ओपन किया है, तो अभी मैं इसको ही इस्तेमाल करूँगा. अगर ये स्पॉन्सर में आता तो इतना तो मैं जल्दी इसको इस्तेमाल करके गला नहीं सकती थी. स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा क्यूट पैकेजिंग में आता है. अगर आप लोग कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं आसानी से ले जा सकते हैं. भूल गए हैं आप लोग, टाइम है कि आप लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को हेयर रिमूव करने का टाइम मिल जाएगा, तभी भी आप लोग अच्छे से कैरी कर पाएंगे. अगर वहाँ पर पानी नहीं है, जेल या फिर सोप नहीं है, तो अभी भी आप लोग से इसके हेल्प से आप लोग अनवॉन्टेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा कम्फर्टेबल चीज़ है. इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसमें 3 ब्लेड्स आते हैं गाइस, तो बिल्कुल भी आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत दिन तक चलेगा. मेरा एक ब्लेड मेरा एक साल चला है गाइस, और मेरा हेयर उतना ज़्यादा जल्दी ग्रो भी नहीं करता है. अभी मैं आप लोगों के सामने एक हाथ में विदाउट क्रीम या फिर जेल के, एक हाथ में मैं जेल यूज़ करके भी आप लोगों के साथ दिखाने वाली हूँ. तो जैसे कि आपने देखा गाइस,
विदाउट जेल भी काम करता है, ये जेल लगा के भी बहुत अच्छे से काम करता है और ज़्यादा जल्दी हेयर का ग्रोथ भी नहीं होता इसको यूज़ करने से। तो अगर आप लोग कोई भी रेज़र इस्तेमाल करने से डर रहे हैं, इतनी कॉमन मिथ है कि अगर आप लोग रेज़र यूज़ करेंगे या फिर फेस पे भी अगर फेशियल रेज़र यूज़ करेंगे तो ये हेयर की ग्रोथ बढ़ा देंगे या फिर हेयर को मोटे मोटे बना देंगे, एक मिथ है गाइस। तो इसमें कभी भी आप लोग भरोसा मत कीजिए, मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप लोग मेरे हाथ देख सकते हैं, मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, बजाय बढ़ने की ये बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है गाइस। ऑब्वियसली अगर आप एक ही क्वालिटी की रेजर को आप लोग अगर कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो वो आपके हेयर ग्रोथ को ऑब्वियसली कम कर देगा गाइस, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा ना मोटा करेगा, ये एकदम गलत बात है, उस पर आप मत ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को अभी डर लग रहा है रेजर यूज़ करने में, बहुत से टीनेजर्स होंगे वो अभी स्टार्ट करने वाले डर रहे, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप वेनस का ये वाला रेजर आप लोग बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप लोगों को साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट यूज़ करने से पहले दो बात मैंने जो बोला उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो लोग रेज़र यूज़ कर रहे हैं, रेज़र में कंफर्टेबल है तो ऑब्वियसली आप कंफर्टेबल रह सकते हैं, लेकिन मैंने जो टिप्स दिया है उसको हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। और जो लोग अभी नया रेज़र खरीदना चाहते हैं तो आप लोग ये वाला रेज़र को एक ट्राई दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये छोटू सा है, दिखने भी बहुत क्यूट है, एकदम पिंक सा इसका बॉक्स है, ये रेज़र भी इसका पिंक है और इसमें 3 ब्लेड्स भी आप लोगों को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इसका प्राइस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये आता है गाइज 799 में, लेकिन आपको ये हमेशा डिस्काउंट में मिल जाएगा, उसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है गाइज। और ये 4 साल तक इसका शेल्फ लाइफ है, तो ये 4 साल नहीं, ये 3 साल आप लोगों का जाएगा, बहुत अच्छे से जाएगा। मेरा 1 साल में 1 ब्लेड खत्म होता है गाइज, तो आप लोग देख सकते हो 3 ब्लेड से 3 साल में अगर आप लोग 800 रुपये दे रहे हैं, 800 रुपये नहीं लगेगा डिस्काउंट में, अगर आप लोग 700 रुपये भी दे रहे हैं तो 3 साल में वो इनाफ है गाइज। अगर आप लोग यूज एंड थ्रो भी अगर आप लोग खरीदते हैं 30 रुपये का 40 रुपये का आता है, तो उसमें भी आप लोगों को बहुत सारा यूज़ करना पड़ता है, वो एक बार दो बार यूज करके फिर उसको थ्रो कर देना पड़ता है, लेकिन ये बहुत दिन तक चलेगा, ये आपको मल्टीपल टाइम आप लोग यूज़ कर पाएंगे, कोई भी कट लगने की कोई चांसेस नहीं है। और फोम या फिर जेल चाहिए वैसा भी कुछ इसका नीड नहीं है, ये किसी भी टाइम आप लोग सिर्फ वाटर से ही रिमूव कर सकते हैं। तो एकदम अपने पैसे के हिसाब से एकदम अच्छा टिकाऊ प्रोडक्ट है विथ अ गुड इफेक्ट्स और नो साइड इफेक्ट्स, तो आप लोग बिना सोचे समझे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस, मुझ पर भरोसा कीजिए कुछ नहीं होगा। स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर आप लोग पहले से इस्तेमाल करके आप लोग स्किन में कुछ भी इफेक्ट्स हुए तो आप लोग जाके अपने डर्मैक से बात कर सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर लोग नॉर्मली सोच रहे हैं कि हम आप लोगों को अपने अनवांटेड हेयर से रिलीफ चाहिए तो आप लोग ये जरूर यूज़ कर सकते। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट में आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं वीडियो रिलेटेड या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियोज़ आना स्टार्ट हो चुका है और ये कंटिन्यूसली चलेगा गाइस। तो अगर आप लोग सारे वीडियो को देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार भी दीजिएगा गाइस। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।